सो हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो गाइज यार, आज नया साल यहाँ पे ही मनाना पड़ा, घर नहीं पहुंच सका क्योंकि कल शाम को ना 7 बजे गाड़ियां रोक दी थी। तो 7 बजे मेरी गाड़ी को लॉकअप हुए थे पांपोर में, तो उधर से 7 बजे जैसे निकला तो 8:15 बजे इधर पहुंचा तो गाड़ियां रोक दी थी 1 घंटा पहले से ही। क्या करे, 31 दिसंबर भी इधर और 1 जनवरी भी इधर ही, नया साल भी इधर ही मना रहे हैं। तो कल देखते हैं, कल गाड़ियां छोड़ेंगे यहाँ से तो कल पहुंच जाएंगे घर। तो अभी यहाँ से काजीकुंड से छोड़ेंगे ये गाड़ी 12 बजे से पहले बान्याल के लिए, फिर बान्याल में रोक देते हैं। तो उसके बाद कल फिर बान्याल से सुबह 10:30 बजे तक छोड़ते हैं। तो ये कुछ सामान भी भेजा है फारूक साहब ने, हमारे जी डिपो मैनेजर है जम्मू में, तो उनका कुछ सामान लेके भी जाना है जम्मू। ये अमूल दूध है और सेब की कुछ पेटी है, ये कुछ ऑरेंज वगैरह भी है। तो बर्फ भी काफी ज्यादा पड़ गई है यहाँ पे। तो गाइज उठ गया हूँ अब मैं, तो मुंह वगैरह धो लेता हूँ, तो उसके बाद पी लेते हैं चाय। नया साल हो चाहे पुराना, घर से बाहर ही रहना पड़ता है यार, क्या करें। तो गाइज यार, 365 दिन में से कम हम 20-30 दिन घर पे रहते होंगे साल के, बाकी दिन हम बाहर ही गुजारते हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो। तो गाइज मुंह वगैरह धो लिया, बहुत ठंड है यार, अब पीऊंगा चाय, थोड़ी गर्मी हो जाएगी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से काजीकुंड से, यहाँ से छोड़ेंगे अभी गाड़ियाँ बान्याल तक, उसके बाद कल छोड़ेंगे फिर वहाँ से। तो गाइज ये टोल प्लाजा के साथ में ही जहाँ चाय मिलती है, एकदम मस्त चाय बनाते हैं भैया, और साथ में रोटी देते हैं ये लवासा और गिरदा, एकदम ताज़ा रोटी होती है इनके पास, चाय भी एकदम बढ़िया बनाते हैं। सिगरेट दे दो तीन। तो आप सभी यहाँ पे चाय पिया करो, टैंकर ड्राइवर। ओ भाई रावण वो बेटा। तो भाई यहाँ से गाड़ी अभी छोड़ने वाले हैं, सब ने अपने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, सब रेडी होके बैठे हैं अपनी अपनी गाड़ी में। तो अभी यहाँ से गाड़ी बान्याल तक छोड़ेंगे, उसके बाद कल बान्याल से आगे छोड़ेंगे। गाइस अभी यहाँ से गाड़ी छोड़ी बान्याल तक, बान्याल के लिए छोड़ते हैं अभी, आज इन्होंने लेट कर दिया थोड़ा गाड़ी छोड़ने के लिए, तो अभी जस्ट इधर से गाड़ी छोड़ रहे हैं। तो ये नवयुवा टनल है काजीकुंड से बान्याल सीधा, भाई मैं टनल के अंदर, यहाँ टनल की एंट्री, एकदम बढ़िया टनल बनाया है, लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छे से लगाया है यहाँ पे। ये टनल टू वे है, एक जाने के लिए एक दूसरी साइड आने के लिए, नाशी वाला तो एक ही टनल अभी बनाया है, सामने हमारी पार्किंग है।
दिखाता हूँ आपको पार्किंग में। तो गाइस यहाँ से यार ट्रक का एक्सीडेंट हो गया यार, पता नहीं इसकी शायद ब्रेक फेल होगी। तो ये बान्याल का टोल प्लाजा, यहाँ से जो गाड़ियाँ कश्मीर के लिए जाती हैं तो उनका टोल यहाँ पे कटता है। हमारे लिए अलग लेन रखी है इसमें इन्होंने, वो टोल चिप वाला सिस्टम नहीं रखा है। एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो वाली की लग रही है। तो गाइस जिसकी गलती है उसने बोला कि मैं सारा काम करवा के देता हूँ आपको, जो भी खर्चा आएगा वो मैं सब दूंगा। तो भाई स्कॉर्पियो वाली की गलती थी तो वो मान गया, पहले बोल रहा था कि मेरी गलती नहीं है। तो जब सबने देखा वहां पे इसकी गलती है तो बोला कि स्कॉर्पियो वाले की है, तो उसने बोला चलो ठीक है मेरी गलती मानो, तो जो भी खर्चा आएगा तो वह मैं दे देता हूँ। तो मैं ले आता हूँ पानी, कैंपर में पानी खत्म हो गया है। तो गाइस ये पानी यहाँ पे पीने का, बहुत कम पानी आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा भरने में, बहुत ठंडा पानी है यार। तो गाइस जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, ये हमारी बान्याल की पार्किंग है, यहाँ तक हमें छोड़ते हैं, तो यहाँ से छोड़ेंगे फिर। तो गाइस ये रही मेरी गाड़ी। तो ये बान्याल का व्यू एकदम मस्त, तो ओके गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।